मामला कटनी जिले के ढिमरखेड़ा तहसील कार्यालय का, जहां पर पिछले 6 माह से अपनी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने, कब्जाधारियों से अपनी लगानी खेती वाली जमीन मुक्त कराने की फरियादी को लेकर परेशान बुजुर्ग टावर पर चढ़ गया और चीख पुकार करने लगा, कलेक्टर को बुलाओ, जब तक कलेक्टर नहीं आएंगे तो टावर से नहीं उतरेगा और कलेक्टर नहीं आए तो वह फांसी लगाकर मर जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 6 माह से अपनी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने को लेकर एक बुजुर्ग रोजाना तहसील के चक्कर काट कर परेशान हो रहा है, जिसको लेकर बुजुर्ग टापर पर चढ़ गया और कलेक्टर को बुलाने की मांग करने लगा। वहीं उसका कहना है कि यदि कलेक्टर नहीं आए तो वह टावर से नहीं उतरेगा और वह फांसी लगाकर मर जाएगा। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद तत्काल ढिमरखेड़ा एसडीएम नदीमा शिरीन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अथक प्रयास कर फरियादी को आश्वस्त कर टावर से नीचे उतारा गया। साथ ही एसडीएम की सूझबूझ से एक बुजुर्ग फरियादी की जान ही नहीं बची बल्कि इत्मीनान हुआ और वापस घर आ गया। तब जलाने के लिए धरा है तो आज तक नहीं हुआ मेरा केस। जब सामने के साथ धरा है केस, आज तक 6 महीने हो गए लेकिन कोई निर्णय नहीं। दूसरों के माने दाऊ का लड़का करे, क्या नाम उसका? सोनेलाल और शिवतरा।